बहुत है, लंबी हूँ तो मैं मजलूम नहीं बन सकती क्या? आपने तो एक्टिंग बिल्कुल पढ़ी ही कहीं पे नहीं, कुछ इस किस्म का नहीं है। नहीं, फॉर्मली नहीं पढ़ी। इतना ज्यादा शौक फिर ये कैसे कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ बैठी हुई हैं और अब एक्टिंग? एक्चुअली अजीब सा लगेगा कहना, बट मैं घर आके काम करना चाहती थी, पाकिस्तान आना चाहती थी। आपके लिए अखबार ही अखबार खुले हुए थे, यहाँ तो पूरी जर्नलिस्टिक फील्ड आपके घर के साये तले थी। बट वो एक दिमाग का एक ताल्लुक है, दिल का आई थिंक एक्टिंग से मेरा ज्यादा। पहली बार आपने घर वालों को बताया कि मैं अब एक्टिंग करना चाहती हूँ तो क्या रिएक्शन था? फोन पर बताया था, मैं अमेरिका में थी तो मैंने अपने वाले साहब को फोन किया। वाले साहब को बताया, वालदा को? अब्बू को। अच्छा जी। अम्मी तो अम्मी एडजस्टेबल है, अबू थोड़े होते हैं कि डिस्कस किया करो अपनी चॉइसेस। अच्छा। तो अबू से फोन पर बात की तो हंसने लगे, कहते हैं गुड जोक। कहते हैं हाँ, जिस तरह हंसते हो ना, हो करके कहते हैं मीरू, दैट्स वेरी फनी। अच्छा। तो मैंने कहा अबू आई एम सीरियस। कहते हैं अच्छा बेटा, अभी बाद में बात करेंगे, तुम जरा सोच लो। तो फिर उस वक्त मैं फोन पकड़ा हुआ था, मैंने कहा ये मुझे सीरियस क्यों नहीं ले रहे, मैं तो सीरियस हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको मनाया गया और मेरे कमरे में आए, पूरी उन्होंने लंबी डिस्कशन की कि अगर ये करोगी इसका ये बेनिफिट है, इसका ये कौन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर बस मैंने कहा अबू आई डू इट, आई रियली वॉन्ट टू डू इट। तो कहते हैं ठीक है कर लो। वो बड़ा उस टाइप का अबू का होता है, जा सिमरन जा वाला सीन है। अच्छा। जा आप जी ले अपनी जिंदगी है उस टाइप के थोड़े से। आपने मेरे बच्चे भी बड़ी जिद करते हैं, मुझे बहस करते हैं क्या कि आप हमें सीरियस नहीं लेते। अच्छा। गुस्सा चढ़ा, मैं सीरियस क्यों नहीं लेते? नहीं आप हमें सीरियस नहीं लेते, मैं कोमे च लेके चला गया।